दोस्तों, बॉलिंग जाने का शौक तो आखिर किसको नहीं है। सभी लोगों के अंदर परफेक्ट स्ट्राइक करने की कामना रहती है। पर अगर आप बॉलिंग के थोड़े बहुत जानकार हैं, तो ये बात भी समझते होंगे कि कैसे आखिर बॉलिंग बॉल का वजन सेंटर में ना होकर थोड़ा आगे पीछे होता है, जिससे परफॉर्मेंस पर काफी फर्क पड़ता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसे ही क्यों बॉलिंग बॉल्स बनाई जाती है? और उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर बॉलिंग बॉल्स बनाई कैसे जाती है? 7 सदियों से प्रचलित इस बॉल को पत्थर से लेकर कार्व्ड वुड, रबर और मोल्डेड पॉलिएस्टर से भी बनाने की कोशिश हुई है, लेकिन इसका अभी का स्वरूप शायद सबसे बेहतरीन है। तो फैक्ट्री में कैसे बनाई जा रही है ये बॉलिंग बॉल्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। बॉलिंग बॉल बनाने की शुरुआत उसकी कोर बनाने से की जाती है, जिसे बनाने के लिए पॉलिएस्टर रेजिन के साथ बैरेट्स, सिलिका पाउडर और लाइमस्टोन जैसे मिनरल्स को अच्छे से ब्लेंड कर लिया जाता है, और अंत में ये मिक्स एक चॉकलेट मिल्कशेक की तरह कुछ कुछ दिखने लगता है। पर इसे छूने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि एक कैटलिस्ट के ऐड होने के कारण इस मिक्स में एक हीट रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है, जो इसका तापमान काफी हद तक बढ़ा देता है। अब इस गर्म मिक्स को बॉलिंग बॉल के कोर के सांचे में भरना चालू कर दिया जाता है, और मैगी बनाने से भी कम समय में यानी सिर्फ 2 मिनट में इस मिक्स में क्योरिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये सॉलिडिफाई होने लगता है। इस कोर को सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं बल्कि ऑब्लॉन्ग बनाया जाता है, यानी इसके बॉटम का हिस्सा फ्लैट होता है और ऊपर एक बम्प निकल आता है। कोर बनाने का कोई एक स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है। एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल और स्किल लेवल के हिसाब से कोर के डिजाइन को मैनिपुलेट करते हुए बदला जा सकता है। इसके बाद कोर में एक पिन होल ड्रिल किया जाता है, जिससे कि इस कोर को एक बॉलिंग बॉल के सांचे में फिट किया जा सके। अच्छी तरह से प्लेस होने के बाद एक मशीन इस कोर को प्रेस कर देती है, और फिर इस सांचे के टॉप को भी इसकी जगह पर लॉक कर दिया जाता है। एक लिक्विड पॉलीमर ब्लेंड को इसके बाद इस सांचे में ऊपर से डाला जाता है, जो धीरे धीरे सख्त होना शुरू करता है, और कभी कभी तो इसे पूरी तरह से सॉलिड होने में कई दिनों का वक्त तक भी लग जाता है। स्पेशली सेंटर के पास की जगह सॉलिडिफाई होने में खास वक्त लेती है। ये सभी कुछ बॉलिंग बॉल के टाइप और फॉर्मुलेशन पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करता है। सॉलिड होने के बाद इस मोल्ड या सांचे को खोला जाता है और बॉल को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद इस स्टेप में बॉल से निकल रहे ब्लज को शेव कर लिया जाता है, और हमारे पास इस वक्त फ्लैट राउंड बॉल्स आ जाती है, जिन्हें फिर से एक बास्केट में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो इस बॉल को सिर्फ बनाया गया है। अगले कुछ स्टेप्स में आप इस बॉल की किसी दामाद की तरह खातिरदारी होते हुए देखने वाले हैं। पहले इन बॉल्स को एक विनर की लेयर से कवर किया जाना जरूरी है, क्योंकि ये न सिर्फ बॉल को उसकी लुक देती है, बल्कि साथ ही बॉलिंग सरफेस से कांटेक्ट बनाने के लिए और बॉल को ऊपर अच्छे से गाइड करने के लिए भी ये काफी जरूरी है। इस वेनीर को बनाने के लिए सबसे पहले तो कोलोरेंट प्लास्टिसाइजर, यूरेथेन और आईएसओ नाम के एक केमिकल को आपस में मिक्स किया जाता है। इनके ब्लेंड होने से एक बहुत ही हाई क्वालिटी का हाई परफॉर्मेंस पॉलीयूरेथेन मटेरियल बनकर तैयार होता है। इस मिक्स को इन बॉल्स को पकड़े हुए सांचों में डाल दिया जाता है, और ज्यादा समय न लगाते हुए एक केमिकल रिएक्शन इसमें शुरू हो जाती है, जो इस मिक्स को गर्म कर देती है। और क्योंकि ये मिक्स अब बॉल के इर्द गिर्द लगा होता है और सॉलिडिफाई होने लगता है, ये बॉल पर अच्छे तरीके से चिपक जाता है। इसके बाद इस रिएक्शन को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए इसे एक ओवन में भी कुछ देर के लिए डाल दिया जाता है, जहां से बाहर आने के बाद एक स्पिनिंग ग्राइंडर इसके ऊपर से बम्प को शेव कर देता है। अब आपको ये बॉल एक नॉर्मल बॉलिंग बॉल की तरह दिखनी शुरू हो गई होगी, लेकिन काम तो अभी इसमें कई बाकी है। एक लिफ्ट सिस्टम द्वारा इन बॉल्स को एक सैंडिंग मशीन में ले जाया जाता है। ये सैंडिंग मशीन इस बॉल के एजेस को रब करते हुए इसे और भी ज्यादा स्मूथ बनाने का काम करती है। फिर इसके बाद ये बॉलिंग मशीन एक असेंबली लाइन में जाते हैं, जहां एक मशीन इनके सरफेस पर हीट स्टैम्प की मदद से ट्रेडमार्क और इन्फॉर्मेशन को सरफेस पर स्टैम्प कर देती है। इसके बाद इसे एक आखिरी बार सैंडिंग के लिए भेजा जाता है, जहां पानी का एक कांस्टेंट फ्लो इसके सरफेस पर सारा पाउडर रेसिड्यू साफ कर देता है, और बॉल एक यूनिफॉर्म स्मूथनेस प्राप्त कर लेती है। अपनी तैयारियों को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए अंत में इन बॉल्स को पॉलिश किया जाता है, ताकि इनकी परफॉर्मेंस बढ़ सके। इस इनिशियल पॉलिश के बाद एक बार और इसे दूसरी और फाइनल पॉलिश से गुजारा जाता है। इतना सब होने के बाद अब बारी है इन बॉल्स से खेलने की,
लेकिन उससे पहले एक मशीन इन बॉल्स में थ्री फिंगर होल ड्रिल कर देती है और अब ये बॉल्स दुनिया भर की बॉलिंग एलीज में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो देखा आपने किस तरह से एक बॉलिंग बॉल की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उसकी कोर को जानबूझकर एसिमेट्रिकल बनाया जाता है। और अगर आप बॉलिंग करते हुए अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते तो उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आप उसे एक नॉर्मल बॉल की तरह मूव करवाने की सोच रहे हैं, लेकिन आपको उसकी कोर और उसके साथ चलते मैकेनिज्म का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसके बाद हमने इस वीडियो में ये भी आज देखा कि इस थ्री लेयर बॉलिंग बॉल की आउटर लेयर, जिसे हम वेनीर कहते हैं, लगातार पॉलिश की जाती है और हर स्टेप पर उसे इतना स्मूथ बनाने की कोशिश की जाती है कि ट्रैक के कॉन्टेक्ट में आते ही उसे किसी भी तरह के फ्रिक्शन का सामना ना करना पड़े। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक बॉलिंग बॉल काम कैसे करती है और उसका एक एक्सप्लेनर भी वीडियो के रूप में आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसे चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।